एक विवाह ऐसा भी। अलसी हे भगवान, इन दोनों में झगड़ा? मासा, हम अभी उनके कमरे के आगे से गुजर रहे थे, तभी हमने देखा दोनों में तू मेरे हो रही थी। मासा, ये आखिरकार रणवीर और सुमन में चल क्या रहा? कहिए किसका टिकट काटना है? वो लड़की गलती नहीं होनी चाहिए। तुम लोग अपना काम कर देना। हम पे काहे गिर रहा है बे? गिरना है ना तो भगवान के चरणों में जाके गिर। तुझे छिछोरे कपड़े पहन के घूमेगी? तू भूल गई कि तू हमारी बहू है? जाके मार के आ जेब फिराक उस नागिन के मुंह पे। मम्मी जी, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा कि वो एक ड्रेस रणवीर को दे रही थी और कह रही थी कि इसको सुमन को जरूर पहनाना। क्या बात है सुमन, तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी? हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं तुम्हें उस ड्रेस में देखने के लिए। आपने मेरी फीस नहीं भरी ना माँ, तो फिर ना टीचर ने मुझे क्लास के बाहर खड़ा किया। लाडू, पिछले महीने यहाँ सब कुछ हुआ कि मैं वीर की फीस भरना ही भूल गई और अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पूरी फीस एक साथ भर सकूं। हेलो जी, मुझे मेरे बच्चे की फीस के बारे में बात करनी थी। जमा हो गई है साल भर की, पर किसने की? वीर के स्कूल की रिसिप्ट रणवीर जी के जेब में? इसका मतलब वीर की स्कूल की फीस? वीर के स्कूल की रिसिप्ट रणवीर जी के जेब में? इसका मतलब वीर की स्कूल की फीस? रणवीर जी को कितना गलत समझा मैंने। ना उन्होंने हार रखा, ना उन्होंने नींद की गोलियां दी, बल्कि वो सब शादी के बाद भी मेरे सपोर्ट में मम्मी जी से लड़े हैं। छोटे कपड़े भी वो नहीं लाए और जो वीर के खिलाफ खुद को गलत साबित कर रहे थे, आज उन्होंने वीर की पूरी साल की फीस भर दी और किसी को पता तक नहीं चलने दिया। रणवीर जी, जैसा आप अपना रूप मेरे सामने दिखा रहे हैं ना, अब बिल्कुल वैसे नहीं है। पर आखिर क्या बात है? अब जाकर दिखाओ हनीमून पर। अब हम लोग लंदन कैसे जाएंगे? रणवीर जी, मुझे नहीं पता था, जब मैंने इसे रखा था ना तो ये ठीक था। बिना पासपोर्ट के हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकते। भाई, आप लोग अपने हनीमून पे चले जाइए। आप लोग हम लोगों की वजह से आपका हनीमून स्पॉइल मत कीजिए। आप लोग प्लीज लंदन जाइए और इंजॉय कीजिए। छोटे, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरे बिना हम कहीं नहीं जा रहे। छोटे, अगर हम हनीमून पर जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, वरना वरना कोई भी नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारा हनीमून भी कैंसिल।
इस हनीमून का तो मुझे जन्मों जन्मों से इंतजार था, आज वो दिन आ ही गया। साहिल, तुम भी ना मुझे अपने सारे कपड़े दे दो, और हाँ बैग भी दे देना, मैंने तो अपने सारे कपड़े पैक कर दिए। इन चारों बैग्स में सिर्फ तुम्हारे कपड़े हैं? सिर्फ कपड़े ही नहीं, एक में मेरे मेकअप का सामान, एक में मेरी नाइट वेयर, एक में मेरा डे वेयर, एक में पार्टी वेयर, हाँ एक में तो मुझे सैंडल्स भी रखनी। एक मिनट, हम वहाँ परमानेंटली शिफ्ट होने नहीं जा रहे, बस कुछ दिनों के लिए जा रहे। You got that? हनीमून भी तो लाइफ में एक ही बार होता है ना, इसलिए मैंने तो सोच लिया है भाई मैं तो अपने हनीमून को कल के एंजॉय करूंगी। गुड, तो तुम जाओ वहाँ बस में, मैं काम करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को अपडेट कर देता हूँ ताकि वो लोग आके मुझे यहाँ मिल सके। जरूर उस रिया को मैसेज कर रहे होंगे। हेलो साहिल, एक बात ना कान खोल के सुन लो, इस हनीमून पे हम दोनों जा रहे हैं फाइनल। हम दोनों? हाँ। और आप ही बताइए, क्या आप हनीमून पे ना जाकर बड़े पापा, बड़ी मम्मा और सब घर वालों का दिल तोड़ना चाहते हो क्या? ये नागिन अपने बिल में भी ना आए, ये मारे को गच्चा देखे निकल तो नहीं गई। इन्हें रोक लीजिए, इन्हें मत जाने दीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने जो भी तैयारियां करी है उसको एंड मोमेंट पे कैंसिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चाची अगर कुछ कह रही हैं तो इसके पीछे जरूर कुछ बात होगी। मुझे लगता है कि हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ छोटे, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। जाओ अपने कमरे में और सामान अनपैक करो। नहीं मम्मी जी। चिराग देखो मम्मी परेशान हो रही है, बेटा आंखें खोलो। चिराग बात करो ना मुझसे, ये देखो ना मुझसे बात नहीं कर रहा है। चिराग बात करो ना बेटा मुझसे। ऐसा नहीं हो सकता, चिराग हमको छोड़ के नहीं जा सकता। जब आप किसी के साथ रहते हो ना तो उनके साथ लगाव हो ही जाता है, लेकिन तुम्हें ही देख लो, तुम तो मेरी फैमिली के साथ रहते नहीं हो, तो तुम्हें उनसे कोई लगाव नहीं है, है ना? लगता है तुम झगड़ा करने के ना पूरे मूड में हो, लेकिन अगर झगड़ा करना ही है ना तो ददिया की बात याद रखना कि अगर झगड़ा करेंगे तो दिन दुगना रात चौगुना प्यार बढ़ेगा। आज तुम्हारा मीरा के लिए प्यार देखकर मुझे ये महसूस हुआ है कि मुझसे ज्यादा ख्याल उसका तुम रखोगे। कल सॉफ्ट म्यूजिक लगाया, रोमांटिक डांस किया, और फिर क्या हुआ मैं नहीं बताऊंगा। इस जन्म में तो मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं है कि विभू 500 रुपए कमाकर मेरे हाथ में ला के रख दे। ये 100 रुपए कमा के दिखा दे तो मैं मान जाऊं। आप 100 रुपए की बात कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कमा के 10,000 रुपए। आज ना किसी भी हालत में मुझे मेरे पागल भाइयों के लिए चादर और शॉक मशीन भेजनी है पालन खेत। मैं सामान लेके जाऊंगा आपका पालन खेत। अरे भैया बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, कैसे ले जाएंगे आप, सर पे रख के ले जाएंगे? मैं ये प्रिंसेस का मेगा एक्सेल ले लूंगा। आपने सारे कामों में मेरा हाथ बटाया, छोटू बुआ की हल्दी की रस्म में आप मेरे बराबर के साथ ही बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लक्की जी। तेरे जेठ जी इलेक्शनों में खड़े हैं, इस टाइम पे अपने परिवार की घनी जरूरत हो, है ना देवल जी? तो मैं चाहूंगी कि तू अपने जेठ जी का साथ दे। मैं चाहूँ कि तू और लक्की जी जो चुनाव में हमारे बाबू जी का समर्थन करो। हम ताऊ जी का समर्थन करेंगे, वो भी दिल से। बड़ो और लक्की जी को बाबू जी का साथ देने के लिए मना लिया से मन ने।
पूजा के बाद ना आज तेरा विदाई भी होना है। दामाद जी बोल रहे थे आज हम आपको एक गिफ्ट देंगे। कैसे गिफ्ट पापा जी? आज बिकरल सिंह का केस खत्म होना चाहिए। हम यहाँ आने से पहले पापा के सारे काम कर दिए और बदले में उनके सारे काम ले भी आए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये लोग हैं हमारे गन डीलर हरिओम जी के आदमी। आप देखिए दामाद बाबू जो भी आपको पसंद आता है। बिकरल सिंह गोकुल के सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि भगवान कंस ने गोकुल के बच्चों के लिए एक महाआरती का आयोजन किया है। गोकुल के सभी बालकों का महाआरती में आना अनिवार्य है। राज गोकुल के सारे बालक ऐसे ही मरेंगे, कोई जीवित नहीं बचेगा। मेरा कान्हा मथुरा नहीं जाएगा। बाबा हम सबको मथुरा अवश्य जाना चाहिए। मैंने तो पूरी योजना भी बना ली है कि हमें मथुरा जाकर क्या क्या कर। आप जो कहेंगे हम वो सब करेंगे, बस हमें हमारे पति से मिलवा दीजिए। संतोषी माँ का त्याग करना होगा तुम्हें। मंजूर है तुम्हें संतोषी माँ का त्याग करना? अगर अपने पति को पाने का यही एक शर्त है तो हम छोड़ देंगे संतोषी माँ की पूजा। दरवाजे सारे बंद है, जो भी थे इसी कमरे में है। वीर जी जैसा लग रहा है कि यहाँ कोई ना कोई है।